हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि ये भी जो ये वीडियो जो हमारा है ईजेट नोमेनक्लेचर, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री लेसन का है और ईजेट नोमेनक्लेचर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में जैसे आप CHS पॉलिटेक्निक या उच्च स्तर के कोई भी आप एग्जाम देंगे तो ईजेट नोमेनक्लेचर और आरएस नोमेनक्लेचर से एक ना दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि विद इन 2 मिनट लगेगा इसको ई और जेट को निकालेंगे, बट हम आपको थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ाएंगे इसलिए ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। ठीक है, तो समय लॉस्ट ना करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। किस कंपाउंड में हमको ई और जेड कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो बात करते हैं। दिस नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इज मोर जनरल। कभी भी जब हमारा जी ई और जेड नोमेनक्लेचर उसी सिस्टम में पाया जाएगा जहां पर ज्योमेट्रिक सिस्टम हो। अब ज्योमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्रिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड हो, मतलब किसी भी एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जो कि ईजेट नोमेनक्लेचर को फॉलो करे या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को फॉलो करे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। दिस नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इज मोर जनरल एंड इट कैन अप्लाइड टू ऑल कंपाउंड। जो हमारा ईजेट नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये सभी कंपाउंड के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब ये फॉलो कहां करता है, कैसे फॉलो करता है, ईजेट नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी रूल। जो हमारा ईजेट नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये किस पे आधारित है, प्रायोरिटी रूल पे। अब प्रायोरिटी रूल क्या होता है अभी बता रहा हूं, प्रायोरिटी रूल पे आधारित है। एंड दिस रूल आर डेवलप्ड बाय कॉन इनगोल्ड प्रिलॉग, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ईजेट नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था। और ये जो हमारा ईजेट नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये किस पर आधारित है, कॉन प्रायोरिटी रूल पर। ठीक है, अब प्रायोरिटी रूल क्या होता है, प्रायोरिटी रूल बताने के लिए बता रहे हैं उसके पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा ई और जेड ये वर्ड कहां से आए, इसका मतलब क्या होता है। तो जो ई और जेड दो वर्ड हैं ये जर्मन वर्ड हैं जिनका जर्मन लैंग्वेज में होता है। ई का मतलब होता है इंटीजेजन और जेड का मतलब होता है जुसामेन। ठीक, तो इस ये हमारा जो ये जो वर्ड है इंटीजेजन और जुसामेन ये हमारे जर्मन वर्ड है, बट हम इनको अगर इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो इंटीजेजन का मतलब होता है अपोजिट, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं ई का मतलब क्या होता है अपोजिट और जेड का मतलब क्या होता है टुगेदर, ये हमारे इंडियन लैंग्वेज में होता है। ई का मतलब अपोजिट और जेड का मतलब टुगेदर। ठीक, तो अब बात करते हैं, इसका मतलब तो आ गया, अब बात करते हैं ये प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल क्या बताता है, जैसे प्रायोरिटी रूल कहने का मतलब क्या होता है कि ये कैसे फॉलो करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझाएंगे आपको कि कैसे ये प्रायोरिटी सीक्वेंस कार्य करता है। और कभी भी हमको ये देखना है जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो किसी एक कार्बन पर हम प्रायोरिटी सीक्वेंस में देंगे। प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर जिस भी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा जो दो डबल दो बॉन्ड है जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उसमें से जिस एटम का, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1, यहाँ फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 9, तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा
उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी कर देंगे फर्स्ट, इसको प्रायोरिटी कर देंगे सेकेंड। ठीक, अब इसी प्रकार इस पर भी क्या करेंगे, इससे क्या लगे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है 17 और हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1। तो अब बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और 17 अगर 8 में कंपेरिजन करेंगे तो इसका प्रायोरिटी क्या है सबसे ज्यादा, तो इसलिए हम इसको नंबरिंग कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2। ये जो 1 है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एटॉमिक नंबर को नहीं, हाईएस्ट प्रायोरिटी को, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे दिया गया, तो यहाँ पर फ्लोरीन का कितना होता है 9, 17 इसका 9, 17, 35, 53। तो उस समय हम आयोडीन की प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, इसका प्रायोरिटी फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, है ना। तो अब बात करते हैं, यहां पर हमने प्रायोरिटी तो दे दिया, अब अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अब इसमें दो रूल फॉलो करेगा, वो रूल क्या होते हैं, इफ स्टार पॉइंट में इफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मानेंगे। ठीक, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन द कॉन्फिगरेशन इज जेड। अब देखो, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, देखो सेम साइड में है ना, ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द कॉन्फिगरेशन इज जेड। अगर यहाँ पे कौन सा कॉन्फिगरेशन होगा जेड, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है 1 1 ये क्या है सेम साइड में है, अगर सेम साइड में होंगे तो जेड। अब इसका अगर अपोजिट कर दे, अब इसके बाद करें सेकेंड, यानी ये सिस वाला पार्ट है, सिस को हम जेड भी बोल सकते हैं, यानी सिस इक्वल टू क्या हो सकता है जेड, और ट्रांस इक्वल टू क्या हो सकता है ई। ये हमारे जानने के लिए है, जैसा कि मैंने आपको इचेरिस के पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था, है ना। इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन द कॉन्फिगरेशन इज ई। अब देखो यहां पर, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहां पे क्लोरीन का पहला है, यहां पे फ्लोरीन का पहला है, ठीक, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन द कॉन्फिगरेशन इज ई। समझ आया। तो अब इसके बाद कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देंगे, आप भी एग्जाम्पल को बना सकते हो, कुछ एग्जाम्पल को मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको ई, कैसे आपको जेड पहचानोगे। दो चार एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको आएगा अगर वो ज्योमेट्रिकल एसोसिएशन को फॉलो कर रहा है तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल, हम किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं देखेंगे, हम बस कौन सा कंपाउंड ऐसे जोड़ रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे, है ना।
ऐसे हम उन्हें फोर एग्जाम्पल दिए हैं और इन फोर चार एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि कौन सा हमारा ई नाउन फ्यूचर है और कौन सा हमारा जेड नाउन फ्यूचर है। बाकी जो रूल आपको पढ़ाया हूँ सेम वही रूल लगेगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज करवा दे रहा हूँ जिससे आपको करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो एक एक चीज समझते हैं। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो करेगा। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, तो यहां पर देखिए आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। सबसे पहले आप क्या करो, एटॉमिक नंबर को फाइंड करो। अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, अगर एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इस कार्बन को एक मान लेते, इस कार्बन को दो, है ना, क्योंकि हमको एक ही कार्बन पे देखना, ऐसा नहीं कि चार पे एक दो तीन चार, ऐसा नहीं करना, एक कार्बन पे जो लगे हुए उन्हीं उन्हीं में कंपटीशन करना है। तो इस कार्बन देखो 35 है और 9 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, फर्स्ट या हाईएस्ट पैरिटी होगा, और इसका क्या हो जाएगा सेकंड, इसका फर्स्ट इसका सेकंड। अब देखो दोनों किस साइड में है, दोनों सेम साइड में है ना, तो क्या होगा एक ही जेड, बोलो क्या होगा जेड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइड में है, है ना। इसमें देखते हैं यहां पर फास्फोरस है, भले ही फास्फोरस से क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ क्लोरीन, हमको डायरेक्टली देखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीन सी है तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, नहीं, डायरेक्ट जो जुड़ा हो, तो कार्बन से क्या जुड़ा है फास्फोरस और यहाँ से क्या जुड़ा है क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, इसका कितना होता है 15, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट इसकी सेकेंड, इसकी फर्स्ट इसकी सेकेंड, तो दोनों फिर क्या है सेम साइड में है, इसलिए क्या होगा जेड। इसकी बात करते हैं फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये तो कर दिए क्योंकि इसका 53 होता है, इसका 35 होता है, तो फर्स्ट सेकेंड हो गया। बट यहां देखो, यहां चल रहे हैं तो भी कार्बन मिल रहा है, यहां चल रहे हैं तो भी कार्बन मिल रहा है। अब कार्बन के आगे चलो, क्योंकि दोनों सेम है ना, अब कार्बन के आगे चलेंगे तो क्या मिल रहा है ऑक्सीजन, यहाँ क्या मिल रहा है कार्बन, तो कार्बन का 6 होता है ऑक्सीजन का 8, तो इसका डबल क्या है ज्यादा है, है ना, तो इसलिए इसका फर्स्ट हो गया इसका सेकेंड। अब की बात देखो दोनों क्या है फर्स्ट फर्स्ट क्या है अपोजिट साइड में है, और जब अपोजिट साइड में होते हैं तो कौन सा कॉन्फिगरेशन होगा, बोलो ई होगा, है ना, ठीक। उसी प्रकार से अब इसमें करते हैं फर्स्ट सेकेंड। अब देखो यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, कार्बन के आगे चलेंगे तो क्लोरीन, कार्बन के आगे चलेंगे तो क्या होगा हाइड्रोजन, इसलिए इसका फर्स्ट इसका सेकेंड, ये क्या हो जाएगा जेड। इसकी बात करते हैं यहां पे तीन कार्बन है, यहां पे दो कार्बन है फर्स्ट सेकेंड। अब यहां पर देखो दोनों से ही कार्बन है, तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि दोनों सेम कार्बन है तो वहां पर ई जेड नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, समझ में आया, ठीक। ऐसे आप जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल आएंगे आप सभी को आसानी से कर लीजिएगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोगों ने मेरी हर एक बात को नोटिस किया होगा तो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।